बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। वे 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर ही थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके पाए गए। पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारा वाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ था। वे फिल्म काय पोचे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और उनके अभिनय की तारीफ भी हुई थी। इसके बाद वो शुद्ध देशी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित MS धोनी की बायोपिक सुशांत के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके अलावा फिल्म सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी आखिरी फिल्म केदारनाथ थी जिसमें वे सारा अली खान के साथ दिखे थे। सुशांत की अपकमिंग फिल्म किजी और मैनी थी। इस फिल्म का कुछ समय पहले फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ था। खुदकुशी की वजह का अभी तक तो पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस उनके घर पहुंच गई है और मामले की अब जांच कर रही है। सुशांत काफी लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार थे। हालांकि ऑफिशियली तौर पर अभी कुछ नहीं आया है। सुशांत ने आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम में 3 जून को माँ की फोटो पोस्ट की थी। पीपल्स आशा करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर इससे जुड़ा कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको हिंदुस्तान मिरर के द्वारा देता रहूंगा। धन्यवाद।